अज थाना गुराया विखे एक FIR नंबर 130 दर्ज की गई है। यह FIR पंजाबी सिंगर मास्टर सलीम खिलाफ माता चिंतपुर्णी दरबार खिलाफ इतराजयोग टिप्पणी करन अते धार्मिक भावनावां नूं ठेस पहुँचाने लई अधीन धारा 295 दर्ज की गई है। इसकी अगली तफ्तीश की जा रही है। सानू अलग अलग स्थानों तो एक मैसेज आया कि कुछ बोर्ड लगे है कि जलंधर कैंट के एरिए जागरण हो रहा माँ भगवती का और उस मास्टर सलीम आ रहे हैं एज ए गायक। तो काफ़ी लोगों ने सानू अप्रोच किया कि तुसी इस थोड़ा इनवॉल्व होवो कि हजे कंप्लीटली माफ़ी नहीं हुई और समाज हजे रोष हैगा उसके उत्ते एक्शन करते हुए असी मंदिर जागरण कमेटी अप्रोच किया उन्होंने प्रेजिडेंट उन्होंने पूरी कमेटी को अपने वालों फोन करके गल की कि हजे थोड़ा जहा सेंसिटिव काम हैगा वा तो इनू हजे तुम ना इनवॉल्व करो जागरण के बैटर रहेगा। लेकिन शायद कमेटी वाले साड़ी गल नहीं अंडरसटैंड हुई या वो किसी इन्फ्लुएंस में होने हैं उन्होंने सानू साफ मना करता कि असी नहीं अपना डिसीजन बदल सकते जो तुम करना कर लो। उस रिगार्डिंग असी फिर एक कंप्लेट फाइल की जो माननीय अपने DCP लॉ एंड ऑर्डर अंकुर गुप्ता जी ने दी सी और अगे उन्होंने मार्क करती सी ADCP आदित्य कुमार जी ने और उस रिगार्डिंग नाल ही असी एक फाइल कंप्लेट कोर्ट थ्रू भी फिल कर दिती सी और उसका जी फैसला आ गया वा। फैसले च माननीय कोर्ट ने SHO कैंट नू ऑर्डर किए है कि 21 तरीक नू इसका पूरा जो भी काम किया वा स्टेटस रिपोर्ट सारी वो दी जाए। मैं तुम्हें पढ़ के सुनाना। यू आर हरबी डायरेक्टेड टू सेंड रिपोर्ट रिगार्डिंग अबव मैंशन केस ऑलरेडी फिक्स ऑन 21st। सो ये मैटर कोर्ट भी हैगा वा तो ये सारी चीज़ें ध्यान से लियान वास्ते सारे इतने इकट्ठे हुए हैं और अपने सारे सनातन समाज में यह बेनती बार बार करते पे हैं कि समाज वालों जी माफ़ी है वही एक्सेप्टेबल होनी चाहिए ना कि किसी व्यक्तिगत विशेष वालों। कई बार ये भी देखने आया वा कि व्यक्ति विशेष कोई ना कोई किसी केस भी देखो नाम भी उलझे रहेंगे पिछले साढ़े शहर से कई ऐसे लोग है जो संगठन चलाते हैं लेकिन कितने ना कितने उन्होंने बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई है मतलब परचे भी हुए उन्होंने कंप्लेटा भी गई हैं तो ये साढ़े पूरे समाज लिए बहुत ही एक हल्कापन है। सो इदा की कोई भी माफ़ी मंजूरी ना दी जाए सनातन समाज वालों एक प्रोपर लैवल से संत समाज की अगुवाई के प्रोपर एक स्थान के उत्ते निर्धारित करके माफ़ी दी जाए फिर कुछ समझ भी आती। सर जिवें माफ़ी की गल माफ़ी किदा ही चाहिए तो संतों किदा ही माफ़ी उन्होंने वालों होनी चाहिए। देखो इनिशियल साड़ी मंग तो यही हैगी कि पहला तो जागरण के इनवॉल्वमेंट ना हो क्योंकि कल भी देखो शिवसेना उद्धव ठाकरे वालों भी बहुत व्डे पद्धर उत्ते प्रोटेस्ट किया जा रहा और चार दिन बाद ही आप जागरण से बुला रहे बंदे मतलब कितने ना कितने माहौल आप ही गर्मा करने की या खराब करने की कोशिश की जा रही है। पहला तो इस जागरण चो इन की प्रेजेंस रोकी जाए सैकेंडरी फिर गल रही माफ़ी की माफ़ी मैं पहला भी तुम यही गल दसी कि सनातन समाज संत समाज की अगुवाई देठा होकर माफ़ी दे दे रिटर्न माफ़ी होूह जवानी आप जाके उ वीडियो लाइव चला के कहता जी माफ़ी होगी माफ़ी होगी ये वे नहीं है ना माफ़ी का घट पर रिटर्न तुम दसो सही की अपोलॉजी फील करते पे। जलंधर जी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिस हिंदू तख्त तो गग्गी पंडित जी आए थे उन्होंने भी गलबात की गई कहते कि चिंतपुर्णी दरबार से भी माफ़ी मंगी गई तो साढ़े अकाल हिंदू च भी माफ़ी मंगी गई है जी। पर आप क्यों नहीं उन्होंने सनातन का कर देखो इदा जी माता चिंतपुर्णी दरबार से माफ़ी हुई है ना मैं असी कोशिश की उत्थे जो अध्यक्ष है जिन्होंने गलबात करते पे रविंदर जी शायद उन्होंने गल करने की कोशिश की वो तो इतने है ही नहीं 10 दिन वास्ते आउट ऑफ स्टेशन गए है तो उन्होंने कोई गल नहीं हो पाई कि माफ़ी रिटर्न हुई है या वर्बली हुई है। सैकेंड जी तुम गल की है कि हिंदू तक तो आए सी मुखी आए थे देखो उत्थे माफ़ी होने तो बाद भी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है तुम देखिए ही होना उस तो बाद मोहाली कंप्लेट गई है पटियाले गई है फाजिलका अलग अलग जिले उस तो बाद कंप्लेट गई है। यदा सिंपल एक सादा जहा मैसेज है कि समाज तैयार नहीं है जे मतलब जे काली माता मंदिर जो उत्थे मुखी है हिंदू तखत के जो उन्होंने माफ़ी दी भी है कि शायद लोग नहीं सैटिस्फाइड हुए हजे तो मैं लगता है कि रुद्र सेना संगठन ये जो लोगों की आवाज़ है समाज की वह सामने लिया की कोशिश कर रहे हैं असी कि समाज खुल के नहीं बोल रहा वो कई कारण है असी वो गल पूरी अगे रख रहे हैं कि पूरे समाज में इकट्ठा करके 2-4-500 बंदा इकट्ठा करके संत समाज बह के माफ़ी दे दे लिखत च माफ़ी होनी चाहिए है। जिमें कि कल बड़े पद्धर से संगठन वगैरह इकट्ठे हो रहे तुहाडा संगठन भी वगैरह उस विच जाएगा। देखो शिवसेना उद्धव ठाकरे दे बहुत दिनों तो इन्होंने ऐलान कर दिता सीगा कि असी धरना प्रदर्शन करांगे इन्हां दे खिलाफ परचे की मांग करांगे कल 2 बजे CPO ऑफिस धरना हैगा होना जलंधर दे विच पर सानू भी संपर्क किया गया उन्हां वल्लों कि तुसीं भी शामिल होवो और साडी टीम जरूर शामिल होएगी। देखो जिहड़ा सनातन दा काम है उहदे लई साडा कोई किसे दा मतभेद नहीं।